94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं और आपके साथ यस आरजे मीनाक्षी दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग आप सुन रहे हैं यस माय मनी गुरु दिस शो ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया और मेरे साथ दोबारा से हमारे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी. नैटी हाय गुड वाला इवनिंग हमारी लैंग्वेज में. हाय मीनाक्षी गुड इवनिंग. गुड वाला इवनिंग हाय हाय क्या बात है. ओके चलिए ग्रेट अनदर एपिसोड ऑफ माय मनी गुरु. पिछली बार हमने बात करी थी कि किस तरह से एफडीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोलॉसल वेस्टेज ऑफ योर मनी यू आर डूइंग दैट. लेकिन अगर मैं बात करूं मतलब मेरे दिल में आया था और मुझे लगता है कि बहुत सारे लिसनर्स के भी दिल में ये बात होती है. जैसे मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो मुझे याद आता है कि जब मेरी दादी की शादी हुई थी तो तब 200 रुपए तोला सोना था एंड उसके बाद मेरी मॉम की शादी हुई तो 1000 रुपए तोला सोना था. आज की डेट में 30,000 रुपए तोला सोना है. नैटी फिर तो गोल्ड मतलब इज अ अमेजिंग इन्वेस्टमेंट क्या कहोगे आप. सोना एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है. हर एक के पास सोना होना चाहिए कि सोना करेंसी के तौर पे काम करता है. पर इसको इस तरह से सोचिए. अच्छा. आज की डेट में सोना इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $410 तोले के हिसाब से बिकता है. ओके. हिंदुस्तान अपना 90% सोना इम्पोर्ट करता है. 62 रुपए का $1 मिलता है तो सोने का अप्रोक्सीमेटली अगर आप गणित करो तो सोने का रेट आज की डेट में 25,000 से 26,000 रुपए पर तोले के बीच में. नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि एक्चुअली में जो मुझे सोना यहाँ पे 29,000 रुपए तोला मिल रहा है वो US में मुझे 25,000 रुपए में मिलेगा. ऐसा कहना चाह रहे हो. पूरी दुनिया में 25,000 रुपए मिलेगा एक्सेप्ट इन इंडिया. इस बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी देर में. आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम का लेटेस्ट ब्रांड न्यू शो माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. जियो दिल से 94.3 माय एफएम पंजाब का नंबर वन रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु इंडिया फर्स्ट रेडियो टॉक शो ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज. एंड यस इनके बिना ये शो कम्प्लीटली अधूरा है. मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर. वेल यस माय मनी गुरु इज ब्रॉट यू बाय फिनवेजिया. आई एम नैटी. मैं अभी थोड़े टाइम पहले दुबई गई थी तो वहां पर मैंने एयरपोर्ट पे ही देखा मतलब दुकानें जो है सोने से भरी हुई हैं. और इनफैक्ट कई सोर्सेज जो मेरे हैं उनसे मैंने पता किया है. अब आप मुझे बताइएगा कितना राइट है कि मतलब पर फ्लाइट जो है दुबई से जो फ्लाइट आती है 40 से 80 किलो तक जो सोना है माय गॉड वहां से आता है. क्या ये राइट है मीनाक्षी. दैट इज राइट बेस्ड ऑन सम सोर्सेज दैट आई हैव रेड एज वेल. मेरे सोर्सेज और आपके सोर्सेज मिलते हैं. ओके जी बताएं. तो जहां तक हमने भी अपना हमारे भी चैनल चेक्स बोलते हैं कि पर फ्लाइट जो हिंदुस्तान में आ रही है हर एक फ्लाइट के अंदर 40 से 80 किलो सोना स्मगल हो रहा है जो मिडिल ईस्ट से आ रही है. हिंदुस्तान में सोने की स्मगलिंग ऑलमोस्ट 300% बढ़ चुकी है पिछले 1.5 साल में. इसीलिए सरकार ने उसको रिवाइज करने का सोचा है कि वो इस ड्यूटी को रिवाइज करके नीचे लेकर आना चाहते हैं. सोनिया गांधी ने रिसेंटली अपना सरकार में गवर्नमेंट को एक ओपन लेटर लिखी है जिसमें वो चाहते हैं कि सरकार अपनी ड्यूटी के बारे में दोबारा सोचे और ड्यूटी को वापस नीचे लेके आए. तो नाटी आप क्या कहते हो कि ये जो 10% ड्यूटी बढ़ी है आपको क्या लगता है कि ये ड्यूटी कम होगी मतलब लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. क्या लगता है. मुझे लगता है कि शायद अगले 2 या 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ ड्यूटी जरूर कम होगी या 2% या 4%. और मुझे लगता है कि शायद अगले 1 से 2 साल में ड्यूटी वापस 0% पर आ जाएगी. ओ माई गॉड बिग खुलासा आउट हियर ऑन माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. अगर हम और भी जानना चाहें आपकी ये जो यू नो ये इंटेलिजेंट थॉट्स हैं तो हम क्या करें कैसे हम आपसे और पता कर सकते हैं. डेफिनेटली मीनाक्षी हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एजुकेट आवर लिसनर्स. अगर किसी को और सवाल पूछने हैं किसी को और नॉलेज गेन करनी है दे कैन ऑलवेज सेंड एन SMS. चलिए आपका SMS मैं बता देती हूँ. MYC टाइप कीजिए स्पेस दीजिए MMG दैट इज माय मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर. इस बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी देर में. आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम का लेटेस्ट ब्रांड न्यू शो माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. जियो दिल से 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे मीनाक्षी को. वेल ये शो चल रहा है माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. दिस इज द फर्स्ट रेडियो टॉक शो ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज और मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी. नैटी अभी आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है माय मनी गुरु. तो आपने हमें बताया कि मतलब ये जो गोल्ड की ड्यूटी 10% बढ़ी है ये अगले 2 से 4 हफ्ते में मतलब 2 से 4% जो है वो घट सकती है और ये भी हो सकता है कि साल में 0% मतलब देयर वुड बी नो ड्यूटी एट ऑल. इसका मतलब जो हमारा गोल्ड पड़ा हुआ है इतना सारा लॉकर्स में वो तो मतलब एक तरह से हम बहुत नुकसान और बहुत घाटे में जाएंगे क्योंकि जितने पे हमने खरीदा था बहुत मेजर जितनी मैं लेमन टर्म में मैं बोलूं तो बहुत लॉसेस में जाएंगे. मीनाक्षी आपके घर में कितना सोना पड़ा हुआ है. ये अच्छा क्वेश्चन है. मेरे घर में कितना सोना है. मेरे गार्डन में भी है बाथरूम में भी है. आई होप इनकम टैक्स वाले सुन ना रहे हो. नहीं यार बट सीरियसली सबके घर में सोना होता है. नाटी तुम
तुम जानते हो सबके लॉकर्स में सोना है, तो क्या अब उस सोने का क्या होगा? मीनाक्षी, उस सोने के नुकसान से बचने के लिए और सोने के ऊपर इंटरेस्ट भी कमा सकते हो आप बिना वो सोना अपने वॉल्ट से बाहर निकाले, बिना उसे डिस्क्लोज किए। उसके लिए एक टर्म यूज होती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, पेपर गोल्ड। ठीक है, बट ये पेपर गोल्ड होता क्या है, मतलब ये आप एक्सप्लेन कीजिए मुझे। मीनाक्षी, पेपर गोल्ड बेसिकली थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा। आई वुड सजेस्ट कि जो हमारे लिसनर्स हैं, दे लॉग ऑन टू mymoneyguru.finvestia.com, वहां पर हमने पेपर गोल्ड के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। wow. और अगर फिर भी उनके कोई सवाल है तो दे कैन ऑलवेज सेंड एसएमएस। यस, दे कैन ऑलवेज सेंड एन एसएमएस ऑन MYC, टाइप कीजिए स्पेस दीजिए MMG, दैट इज माय मनी गुरु, टाइप करके स्पेस देके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर। तो मतलब इस लॉस से बचने के लिए पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करें। Yes. चलिए, अब सारी बात यहाँ पर आती है कि क्या फिर गोल्ड खरीदना चाहिए, खरीदना भी चाहिए तो कैसे खरीदना चाहिए, तो डूज एंड डोंट्स, इस बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो सुनते रहिए 94.3 माय FM पर मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ माय मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया, जियो दिल से। चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर में आप इकट्ठे सुन रहे हैं इस समय ये शो माय मनी गुरु 94.3 माय एफएम पर, जो कि है पंजाब का नंबर वन रेडियो स्टेशन, और आप इसे सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, और मेरे साथ हैं को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया। तो नाटी, जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, माय गॉड, मतलब तो क्या अब गोल्ड में हम इन्वेस्ट ना करें, गोल्ड ना खरीदें, क्या कहोगे आप? मीनाक्षी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गोल्ड मत खरीदिए। मैं सोचता हूँ कि सोना एक बहुत ही अहम हिस्सा होना चाहिए आपकी सेविंग का, पर सोने को खरीदने का ढंग अलग होना चाहिए। अच्छा। जब आप किसी ज्वेलर से सोना खरीदते हो, आप 300 से 500 रुपया मेकिंग चार्जेस पे कर देते हो, कई केसेस में आप 3-4% तक मेकिंग चार्ज पे करते हो, खरीदने और बेचने का रेट अलग रहता है। अगर आपने सोना खरीदना है तो आप सोने को पेपर गोल्ड के रूप में खरीद सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया। उसके आपको बेनिफिट्स कहीं है, उसमें आपको कोई रिस्क ऑफ थेफ्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज नहीं है, कब खरीदना है कब बेचना है, मतलब चोरी होने का डर नहीं है आपको, और आपको कोई स्टोरेज करने का डर नहीं है कि कैसे भी आप स्टोर कर सकते हैं, आपको डर नहीं रहेगा। जी, प्योरिटी भी आपको अश्योर्ड होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इतना ही नहीं, जैसे आप गोल्ड की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, आप अगर पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ 10% पैसा डालना पड़ता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए का सोना मैंने सपोज खरीदना है, फिर अगर आपने 10 लाख का सोना खरीदना है तो आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन डाला, आपने 10 लाख का सोना का पेपर गोल्ड खरीद लिया। ठीक है, और जब आपको वो सोना एक्चुअल में चाहिए तब आपने बाकी 9 लाख रुपए देकर उस सोने की डिलीवरी ले ली। तो मतलब मुझे पूरे 10 लाख रुपए देने की जरूरत ही नहीं है सोना खरीदने के, जैसे कि हमें अदरवाइज करना पड़ता है। एग्जैक्टली, हाँ, दिस इज अमेजिंग। और इतना ही नहीं, अगर आप सोने को ETF के रूप में खरीदते हो तो आपको सोने की एप्रिसिएशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ता। ओके, ETF, अगर आप इसे प्रॉपरली जो सुन रहे हैं उसे एक्सप्लेन करें, ये भी एक तरह का पेपर गोल्ड होता है, पेपर गोल्ड के कई जरिए होते हैं। सो इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.mymoneyguru.finvesia.com पे, या फिर SMS कीजिए MYC, टाइप कीजिए स्पेस दीजिए MMG, दैट इज माय मनी गुरु, टाइप कीजिए अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर। तो नाटी, आज तो हमने गोल्ड के बारे में इतनी सारी बात की है, मैं जाके अपने गोल्ड के साथ कुछ करने वाली हूँ। और जैसे हम जानते हैं कि वी ऑलरेडी इन द टैक्स सीजन, और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हमेशा मैं सोचती रहती हूँ कि किस तरह से मैं अपना टैक्स सेव करूं, और इन्वेस्ट करते हुए टैक्स सेव करना, दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। तो इस बारे में हम पता करेंगे अगली बार। नाटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियो, एंड आप हमेशा कुछ ना कुछ नया मुझे ज्ञान देके जाते हो, सो एक्चुअली यू द वंडर मैन। Thanks, Meenakshi. It's a pleasure to be on the studio. Amazing. तो सुनते रहिए 94.3 My FM पर मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ My Money Guru, brought to you by Finvisia. जियो दिल से।